धारनगर में एक और व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति पुलिस विभाग से जुड़ा है तथा वह पुलिस के रेडियो विभाग में कार्यरत है। जिला प्रशासन के मुताबिक वह 21 मार्च को धार आए थे, तब से यही है और प्रशासन द्वारा उनके मोबाइल के माध्यम से पूरे रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है कि वह कितने लोगों के संपर्क में थे और कितने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। संक्रमित पुलिस विभाग के रेडियो वायरलेस में आरक्षक के रूप में पदस्थ तथा 8 अप्रैल से जिला अस्पताल में भर्ती था और आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उक्त मरीज धार के जानकी नगर का निवासी है। पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र सील कर बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग की तैयारी की जा रही है। धार में अब तक 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका उपचार जारी है। इस दौरान प्रशासन द्वारा बड़ी तादाद में संक्रमण के अंदेशों के चलते लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं जिनमें कई रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कई रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं एहतियातन प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते सख्ती से जिले भर में लॉकडाउन पालन करवाया जा रहा है एवं लोगों को बार बार सतर्क भी किया जा रहा है। ये रेडियो उसमें वायरलेस में काम करते हैं, श्याम इनका नाम है, उम्र 26 साल है, जानकी नगर में रहते हैं। ये 20 मार्च को आए हुए हैं, तब से यही है। इंदौर के रहने वाले हैं, राजवाड़ा पे इंदौर में रहते हैं, तो सर्विस इनकी यही है और इनका जानकी नगर में भी रहते हैं। अभी कितने दिन से अस्पताल में भर्ती? अभी 8 तारीख से हमने इनको जो है इनको साइंस इनको डेवलप हुए थे तो उनको सिफाई लेके आए थे तो टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव। इसके अलावा किसी की और रिपोर्ट है अल्ताफ के परिवार की या किसी की? नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं। अभी हम 50 हमारी RRT आ रही है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, वो सभी का परीक्षण करेंगे जो इसकी पॉजिटिव। देखिए अभी धार में एक रेडियो के कांस्टेबल हैं, वो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको 8 तारीख को ही आइसोलेट कर दिया गया था और उनके साथ जो अंदर दूसरा स्टाफ था उनकी भी स्क्रीनिंग कराई गई थी जो नॉर्मल आई थी। अभी हमने जानकी नगर एरिया जहाँ वो किराए के मकान में रहते थे उसे सील कर दिया गया है। कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया है और कंट्रोल रूम में सभी जो स्टाफ पदस्थ हैं उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। देखिए करीब कंट्रोल रूम में 40-50 लोग पदस्थ हैं, सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और ऑलरेडी सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम लगातार कंट्रोल रूम पुलिस लाइंस में चल रहा है। तो 8 तारीख को भी एक बार सैनिटाइजेशन किया गया था, उसके बाद 10 तारीख को भी किया गया था। तो संभवतः हम प्रयासरत हैं कि जितने भी कम लोग हों वो अफेक्ट हों कोरोना से और पुलिस लगातार इसमें प्रिकॉशंस ले रही है। जो भी व्यक्ति इस केस से जुड़े होंगे उन्हें तुरंत आइसोलेट कर दिया। अब तक करीब 38 FIRs हो चुके हैं और जो भी लोग किसी भी प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई। सर कितने अस्थायी जेलें बनाई गई हैं? अभी तक 3 अस्थायी जेल हालांकि मनावर सब डिवीजन में चिन्हित की गई हैं, क्योंकि अस्थायी जेल चिन्हित करने में जो है लेवल और बहुत सब्जेक्टिव डिसीजन है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग अवेयर रहें, हमारे लॉकडाउन का पालन अच्छे से हो रहा है, हमारे यहाँ सड़कों पर कोई मूवमेंट नहीं है, परंतु यदि लोग करेंगे तो आगे सब जो है कदम उठाए जाएंगे। ये धार जिले में दूसरा पॉजिटिव केस पाया गया है और ये भी धार चौहर का है और ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक कॉन्स्टेबल है। पहले ही इनका परिवार इंदौर में रहता है तो लॉकडाउन के पहले ये वहीं से आया जाना करता था और उसके बाद यहाँ पे जानकी नगर में प्राइवेट रेंट पे घर लेके यहाँ पे रहते हैं। ये कंट्रोल रूम में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे ही पॉजिटिव आया हम लोगों ने इसका जो डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनका ट्रेस करना शुरू किया है। उनको पूरे कंट्रोल रूम में जो भी संपर्क में रहता था उन सभी का हेल्थ स्क्रीनिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। और सेकेंडली ये जानकी नगर क्योंकि यहाँ पे रहता था तो यहाँ पे एपिसेंटर मानते हुए यहाँ पे आसपास जो एरिया है उनको कंटेनमेंट एरिया हम लोग घोषित कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके लगभग 15 हेल्थ टीम्स यहाँ पे भी लगा के आज पूरे में या कल तक पूरा हर डोर टू डोर जाकर ये स्क्रीनिंग कर लेंगे और उनमें जो सिम्टोमेटिक केसेस है और ये डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में जो भी ट्रेस हुए हैं उन सब का भी सैंपल लेना कंपलसरी है। तो वो सैंपल लेने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। सर अल्ताफ और उसके परिवार की कोई रिपोर्ट अगे? ये जो पहला पॉजिटिव केस पाया गया था उनका क्योंकि अरविंदो में हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है वो काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट जो जानकारी आई है कि उनका हेल्थ इंप्रूव भी हुआ है। इसमें क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जो है उनको तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स लगे हैं इस पूरे एपिडेमिक को संभालने के लिए उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि वो कहीं से अप डाउन नहीं करेंगे, यहीं से वो काम करेंगे और उन सभी के लिए यहाँ पे इंतज़ाम भी किया, होटल्स भी लिया हुआ है, हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर्स भी अक्वायर किए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम